welcome to 11 number. I'm your host Fahad Sheikh and we are still at pace. जैसे कि देख सकते हैं आप कि मैं अभी भी पेस में हूँ. इस चीज की वजह एक ही है कि यहाँ इतना क्राउड है कि हम इजीली शो कर सकते हैं और मैं करूँगा because ये हब है फैशन की पाकिस्तान के यूथ के लिए, लाहौर के स्पेशली, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं शॉपिंग करने और काफ़ी कुछ लेते हैं. यहाँ अच्छे भी कपड़े मिल जाते हैं और बुरे भी, डिपेंड करता है आपको कैसे चाहिए. आई डिड आस्क यू क्वेश्चन अबाउट लड़की नीचे खड़ी है, फिर रिमेंबर आप लोगों को ट्रांसलेशन करनी थी. लड़की नीचे खड़ी है और अभी तक आप में से कोई नहीं ट्रांसलेशन कर पाया और वो लड़की नीचे ही खड़ी है और अब मैं उसको ऊपर ले आऊँगा. आंसर वॉज वन वर्ड इन इंग्लिश एंड दैट वॉज मिसअंडरस्टैंडिंग. अगर आप इस लफ्ज को तोड़ें, मिस अंडरस्टैंडिंग. मज़ा आया, चले आए फिर अगला शो करते हैं और मैं दोबारा लोगों से यही पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है यहाँ किसी को नहीं पता चलेगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है. आज क्या नाम है आपका? नुमान. नुमान, एक और नुमान नादरी. नुमान क्या करते हो आप? I'm a second year student. Good है नुमान. नुमान एक ट्रांसलेशन करोगे छोटी सी? बिल्कुल. ठीक है, लड़की नीचे खड़ी है उर्दू का सेंटेंस है, लड़की नीचे खड़ी है. ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो मेरे लिए एक वर्ड में, इंग्लिश के एक वर्ड में. चलो तुम तीन वर्ड में भी करो. गर्ल इज स्टैंडिंग नीचे. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. ठीक है नुमान, चलो वो छोड़ दो, इंग्लिश बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में. नहीं नहीं, मैं वैसे भी कॉलेज में जॉब करता हूं. अच्छा अच्छा, गुड है गुड है गुड है. लेकिन अभी थोड़ा सा हेयर स्टाइल के बारे में स्पाइस है, लेकिन थोड़ी ओवरसाइज नहीं है ओवरऑल? पूरे ओवरसाइज नहीं यार, मैंने अभी काफी देर हो गई ट्रिमिंग नहीं करवाई. ठीक है, ये वजह वरना आपको पता है कि गलत है इस वक्त. हां ठीक है, गुड. हाथ मिला लो इसका. ना ना ना, शर्ट के बारे में बताओ. शर्ट के बारे में? शर्ट क्यों है फ्लावरी? फ्लावरी 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 क्योंकि इंडियन है. है इंडियन है? इंडियन है तो इंडिया में. तो नहीं, मैं इंडिया से लेके आया. अच्छा, इंडिया से लेके आया. हर चीज़ का जवाब है तुम्हारे पास, मैं कुछ नहीं कहूँगा. हाथ खाली है उसकी वजह बहुत, कोई ब्रश नहीं हाथ का. देर घड़ी मेरी नानों की तरफ है. गुड है गुड है, सबकी नानों की तरफ है. जीन्स भी ठीक है, ट्रेनर जो है वो काफ़ी डर्टी रखते हैं. नहीं, मुझे आज की ड्रेसिंग को रेट करोगे मेनली? 1 to 11. 1 to 11. हाँ, नंबर दो. नंबर मीन मिलते नहीं, अगर टेस्ट दो तो मिलते हैं 10 में से इतने नंबर, 10 में से इतने नंबर. नहीं, अपने आप को. हम जरूर देंगे तुझे, तुम्हें अच्छे नंबर दूंगा. और मुझे 10 by 10. अच्छा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, मैं फिर भी कहूँगा. जाओ नुमान, कैरी ऑन. शॉपिंग करने आए थे ना? कौन सी वाली? देखने लगे अभी तो कुछ भी. शादी ये भी देखने आया है, मुझे पता है. कैरी ऑन. अस्सलाम वालेकुम जी. वेलकम सर. क्या नाम है आपका? मैविश. मैविश, क्या लेना चाह रही हैं यहाँ से? ग्लासेस. ग्लासेस किस तरह के? ब्लैक कलर्स. ब्लैक कलर्स के. और किस तरह के गर्ल्स में आजकल चल रहे हैं ग्लासेस, जरा मैं बताएंगी थोड़ा सा? जैसे आप देख रहे हैं. दिखाएं. आप देखें. नहीं नहीं, आपको कौन से अच्छे लगते हैं? अच्छा, मैं खरीद चुकी हूँ. जी जी, दिखाएं 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 दिखाएं. ठीक है, पहन के दिखाएं प्लीज. प्लीज मुझे पता चले. नहीं, आपने पहने, आपके ये उनके. अच्छा, ये उनके. यहाँ पहन के दिखाई ना प्लीज. क्या नाम था आपका? महक. महक, ये नाजी महक के शेड्स है. महक आई थिंक काफ़ी सही लग रही है, डिसेंट लग रही है इनमें. अब आपकी बारी, आपके कहाँ? मुझे भी पहनना. कैमरा है उस तरफ है. महविश. अच्छा, मुझे कैमरे में आने का कोई शौक नहीं, खैर है, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा नाजीन. ये महविश के हैं. ठीक है महविश, आपके भी शेड्स माशाल्लाह ठीक है. ओवर महविश, मुझे बताएंगे आजकल फैशन में क्या है लड़कियों में, कपड़ों में? लेडीज में लॉन्ग शर्ट्स, ट्राउजर्स. आपने शॉर्ट क्यों पहनी? सैटरडे था ना. सैटरडे फैशन ऑफ है. फैशन ऑफ है. कैजुअल ड्रेसिंग. कैजुअल ड्रेसिंग नाजी. ठीक है, कपड़े चलाने भी हैं, मैं समझ सकता हूँ. आज की ड्रेसिंग को रेट करेंगे 1 to 11. कलर के मैं आपको 3 देता हूँ. सभी अच्छे होते हैं. नहीं नहीं, नंबर दें प्लीज. सभी अच्छे होते हैं कलर्स. हम जरूर रेटिंग करेंगे आपकी, कर दी हमने. थैंक यू जी महविश, कैरी ऑन विद द शॉपिंग. थैंक यू. मुझे बताओ कि आपकी जो ओवरऑल लुक है इसको क्या कहते हैं? कैजुअल. कैजुअल कहते हैं. फंकी सी है, मतलब यो बॉय लुक है. ठीक है, तो मुझे बताओ कि आज आपने क्या क्या पहना है? मैंने जीन्स और टी शर्ट पहनी. टी शर्ट पहनी. जीन्स किस तरह की है और ये इसको बताना जरा. ये सिंपल है, कोई लो फ्लाय. ठीक है, स्किनी जा रही है. जूते और शर्ट मैच किया आपने. फंकी पूरी ड्रेसिंग फंकी है. जी जी. काफी ज्यादा आपने ब्रेसलेट पहने और स्पेशली मुझे आपका ये वाला ब्रेसलेट बहुत अच्छा लगा. फिट है काफी ज्यादा पहने इसकी वजह? बस शौक है इन चीजों का. तो ये कई लोग समझते हैं कि चीजें थोड़ी सी छिछोरी हैं. अब जो जमाना चल रहा है वो तो एडवांस है, इस वजह से हमें भी एडवांस होना चाहिए. नहीं चलो, ये हाथों वाले तो मुझे कोई मसला नहीं. ठीक है, क्यों ये आपको अच्छा नहीं लगता? लुक डैमेज हो गई. फुल लुक थी बड़ी माशाल्लाह, बिल्कुल डिसेंट से फंकी से. यहाँ से थोड़ा सा वो
ये भी साथ ही है इस बंदे का अंदर कर देना ये देखना ओवरऑल देखना बदल जाओगे पॉइंट्स बढ़ गए तुम्हारे एक पॉइंट और मिल गया तुम्हें ये अंदर करने के बाद हेयर स्टाइल के बारे में बताओ हेयर स्टाइल थोड़ा सा रफ है हेयर स्टाइल शुरू से यही है मेरा तो माशाल्लाह पूरी लुक जैसा है हेयर स्टाइल थोड़ा सा नया है इसके बारे में आपके ख्याल में कौन सा होना चाहिए इसी तरह का बस यहाँ से नीट करवा ले कानों से और ये ना पूरी जॉ लाइन बाहर आ जाए मुंह अच्छा लगेगा ओवरऑल स्मार्ट लड़का है माशाल्लाह फेस में मैं हैरान हूँ आज की ड्रेसिंग को रेट करोगे 1 to 11 मेरे लिए आपके लिए नहीं मेरे लिए करो अपनी ड्रेसिंग को नंबर दो मुश्किल है ना जी हम जरूर करेंगे ये होगी रेटिंग ठीक है एनीवे जाओ और अपना ख्याल रखना यार थैंक यू मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद